एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत गरीब थी, इस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घर पर काम कर लिया करती थी। पर जब टुनी चिड़िया काम पर जाया करती थी तो वो अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ देती थी, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे चील रहते थे जो छोटे छोटे पंछियों को मारकर खा जाया करते थे। इसी वजह से टुनी चिड़िया अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाती थी और जल्दी वापस घर आ जाती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया काम पर जा रही होती है, तभी उसके बच्चे गोलू चिड़ा अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहती है, माँ आप हमें घर पर छोड़कर क्यों चली जाती हैं? आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाती हैं? अरे बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में बहुत ही खतरनाक और जालिम चील रहते हैं जो छोटे छोटे पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें घर पर छोड़ जाती हूँ। पर माँ, वो चील घर पर भी तो आ सकते हैं ना? मुझे पता है, पर जब मैं चली जाया करूँ तो तुम किसी और के लिए दरवाजा ही मत खोला करो, सिर्फ मेरे लिए ही दरवाजा खोला करो। इस तरह तुम उन चीलों से बचे रहोगे। वैसे माँ, हमारे पिता की मौत कैसे हुई थी? आपने हमें अभी तक इस बारे में नहीं बताया है। तुम्हारे पिता को भी इन्हीं चीलों ने मार डाला था, इसी वजह से मुझे इन चीलों से बड़ा ही डर लगता है और इसीलिए मैं तुम्हें घर पर छोड़कर चली जाती हूँ। पर माँ, यदि उन चीलों ने आप पर हमला कर दिया तो? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं छुप छुपा कर जाती हूँ और इसीलिए जल्दी घर पर आ जाती हूँ, क्योंकि शाम के बाद चील ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गोलू चिड़ा समझ जाता है कि उसकी माँ कितनी मेहनत से उसकी परवरिश करती है, और इसके बाद टुनी चिड़िया काम पर चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और टुनी चिड़िया इसी तरह रोजाना अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर जाया करती थी। एक दिन जब टुनी चिड़िया काम पर जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक चील मिल गया। चील को देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई। चील ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे वाह, आज तो तू मेरे हाथों लग ही गई, तुझे खाकर मेरा पेट अच्छी तरह भर जाएगा। नहीं नहीं, तुम मुझे मत खाओ, यदि तुम मुझे खा लोगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे बच्चे को भी खा लूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, ना ही तुम मुझे खाएगा और ना ही मेरे बच्चे को, मैं तेरे हाथ ही नहीं आऊंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है और चील भी टुनी चिड़िया का पीछा करने लगता है, पर टुनी चिड़िया झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है और चील को दिखाई नहीं पड़ती है, जिस वजह से चील को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। टुनी चिड़िया काम पर न जाकर सीधा घर पर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि चील उसके घर पर जरूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चील टुनी चिड़िया से पहले उसके घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि उसका बच्चा गोलू चिड़ा घर के बाहर खेल रहा था। चील भाग कर जाकर गोलू चिड़ा को पकड़ लेता है। तभी वहां टुनी चिड़िया आ जाती है और वो चील से कहती है, नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम मेरे बच्चों को मत मारो, भले ही तुम इसके बदले मेरी जान ले लो। नहीं, मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा और अब तू भी मेरे हाथों मारी जाएगी। नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले ही तुम मेरे पति को मार चुके हो और अब तुम कितना जुल्म मेरे ऊपर करोगे। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी, पर चील पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो इसे मार कर ही रहूंगा। और ये कहकर उसने टुनी चिड़िया के सामने ही गोलू चिड़ा पर हमला किया, पर टुनी चिड़िया ने एक लकड़ी उठाई और चील के मुंह पर दे मारी, जिससे गोलू चिड़ा उसकी पकड़ से छूट गया और टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग गई। वहीं चील ने जब तक अपने आप को संभाला और वहां पर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। चील फिर से हाथ मलता रह गया और उसने अपने आप से कहा, अब की बार तो ये चिड़िया और उसका बच्चा बच गया, अगली बार ये दोनों मेरे हाथों नहीं बचेंगे और मैं टुनी चिड़िया को तो अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसने तो मेरा मुंह ही तोड़ दिया। और ये कहकर चील वहां से उड़ गया। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने बच्चे को
उस जालिम चील से बहुत दूर ले आई और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगी। और अब वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उस जंगल में एक भी चील और बाज नहीं थे। वहां पर सभी आराम से अपनी जिंदगी जीते थे।